एजेंट सार्स कोवी टू जिसका नाम है कोविड 19 डिजीज़ करता है, कोरोना वायरल 19 डिजीज़, कोरोना वायरसेस फैमिली का वायरस। जैसे ही ये इमर्ज हुआ था तो हम पहले ही जानते थे कि इसमें म्यूटेशंस आती रहेंगी। आप सबको याद होगा कि हम म्यूटेशंस को बार बार रेफ़र करते रहे हैं। लेटेस्ट जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न, हमारा लेटेस्ट म्यूटेंट ऑफ कंसर्न जो है वो ओमिक्रॉन है, जो साउथ अफ्रीका में रिपोर्टेडली इमर्ज हुआ, और उसके बाद ये अब बड़ी तेज़ी से ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कल हमारे यहाँ पे जो एक यहाँ से इंफॉर्मेशन शेयर करने योग्य है वो ये है कि जम्मू रीजन से जो सैंपल्स भेजे गए थे वो जितने फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री के ट्रैवलर्स थे उनके तो हम भेज ही रहे थे, एक क्लस्टर हमारी नज़र में आया जिसमें 11 लोग पॉजिटिव हो चुके थे हजूरीबाग के। उनमें से 2 लोग जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है वो पॉजिटिव आए थे और उनमें ओमिक्रॉन जो है वो कंफर्म हो गया। NCDC न्यू दिल्ली, नेशनल सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल न्यू दिल्ली में इसका टेस्ट होता है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग, उसमें वो ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए गए। ऐसे ही एक और ओमिक्रॉन वेरिएंट एक CRPF में 15 साल की बच्ची बंतलाब की, उसमें भी पाया गया। तो इस चीज़ से ये जो तथ्य ऑलमोस्ट ये कन्फर्म हो गया कि म्यूटेंट प्रोन जो वायरस है नियरली हमारे यहाँ भी जम्मू में भी ये पहुँच चुका है। और ज़्यादा डिटेल्स रिसर्चर्स ने प्रेडिक्ट भी किया था, प्रूव की भी किया था और ढूंढ भी पाए हैं, टाइम पे बता भी देते हैं कि ये ओमिक्रॉन है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी आम नागरिक, आम व्यक्ति, हर जनता के सदस्य के समझने की बात है उसका अपना रोल, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। क्योंकि जैसे ही वायरस को नए नए पेशेंट्स, नए नए ह्यूमन होस्ट्स मिलते रहेंगे उसमें मल्टीपल मल्टीप्लिकेशंस होती रहेंगी, तो उतने ही म्यूटेशनल इवेंट्स होंगे, उतने ही म्यूटेंट्स अपीयर होते रहेंगे। हज़ारों म्यूटेंट्स अभी तक अपीयर हुए होंगे लेकिन वो म्यूटेंट्स ऑफ कंसर्न या वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बन पाए। वही म्यूटेशन वाला वायरस वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना जाता है जिसमें ट्रांसमिशन ज़्यादा हो, यानी इस वेरिएंट में देखा गया 4.2 टाइम्स ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। रिसर्च बता रही है कि ये आज तक जितने वायरसेस थे, इवन डेल्टा प्लस वेरिएंट जो ज़्यादा वेरुलेंट था, वो होता है जो वेरुलेंस ज़्यादा रखता हो मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी की टर्म्स में, यानी डिजीज़ भी ज़्यादा करता हो और मौतें भी ज़्यादा करता हो, वो भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाता है। तो ये हमारा जो ओमिक्रॉन है ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, तो एक डर बना रहता है कि जब भी ये आएगा बहुत सारे लोगों को इकट्ठे इन्फेक्ट करेगा और तेज़ी से करेगा, फास्टर ट्रांसमिशन करेगा, तो इसका पैंडमिक पोटेंशियल ज़्यादा है। इसलिए आज फिर से जो अध्याय हमारे जुड़ चुका है कोविड 19 डिजीज़ का, तो हम अपने आप को फिर से ये समझाएं और याद कराएं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही इकलौता तरीका है जिसमें मास्क का पहने रखना और ठीक से पहने रखना जिससे नाक और मुंह अच्छे से ढका रहे वो बहुत ज़रूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। गैदरिंग्स का, सेलिब्रेशंस का, फेस्टिविटीज़ का कोई अभी थोड़ी देर के लिए हमें रोक लगा देनी चाहिए। हैंड सैनिटाइजेशन यानी हाथ साबुन पानी से बार बार धोने या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र से, क्योंकि ये एक लिपिड एनवेलप्ड वायरस है और ये अल्कोहल से या साबुन से इनएक्टिवेट हो जाता है। ये भी चीज़ आसान सी है और हम कर सकते हैं। अगर हम इन तरीकों को अपनाएंगे तो हमारे जो एक डर बना हुआ है कि ओमिक्रॉन बड़ा फास्टर स्प्रेड करके बहुत सारी जनता को तकलीफ़ में ना डाल दे वो हम बिल्कुल रोक सकते हैं। इसके अलावा आप सब में से जिस जिसकी वैक्सीन की बारी आती जाए बिल्कुल उसको एकदम करवा लेना चाहिए। यही तरीके हैं कि हम अपने यहाँ एक एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, हर नागरिक अगर अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से समझे। हमारे